वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% यथावत रखने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन। बहुजन समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ के बैनर तले बुधवार को बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति का आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर बुधवार को बड़ी संख्या में बहुजन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व समाज के लोग रैली की शक्ल में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर बताया गया कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी मांग को लेकर अनुसूचित जाति के प्रस्तावित आरक्षण 13% को सुधार कर 16% करने की मांग की है। जिस तरह भारत का संविधान लागू होने के पश्चात ही अविभाजित मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का आरक्षण हमेशा 16% ही रहा है, जिसे छत्तीसगढ़ बनने के बाद 4% कम कर दिया गया और उसमें 1% बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया, जो कि उचित नहीं है। इससे नाराज अनुसूचित जाति व समाज के लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में बहुजन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। विरोध है अपना। आज हम लोग अनुसूचित छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का जो 16% आरक्षण है उसको यथावत रखने की मांग को लेकर के महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपने के लिए आए माननीय कलेक्टर महोदय जी को, कि जिस तरह से अनुसूचित जाति की आबादी 16% से भी ज़्यादा है, लगभग 20% है, लेकिन अविभाजित मध्य प्रदेश से 16% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलते आ रहा था, लेकिन एक जातिवादी मानसिकता के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो है रिजर्वेशन कम किया और 2012 से लेकर के उन्हें जो है 12% पर सांत्वना करना पड़ा और उसके बाद में समाज के लोगों ने केस लड़ा, 16% रिजर्वेशन हासिल किया पिछले सितंबर में और फिर 12% ट्राइब का कम हो गया। तो अब सरकार घबरा गई, अब क्या करें। तो जिसने केस लड़ा था शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने, तो उसे उच्च पद देकर के जो है वाहवाही लूटने का काम किया शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच में सरकार ने। फिर उन्हें लगा कि अब शेड्यूल ट्राइब विचलित हो रहा है, सड़कों पर उतर रहा है अपने 12% हक के लिए कि 20 नहीं 32 चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया। तो सरकार ने आनन फानन में 24/11/2022 को उन्होंने जो है कैबिनेट की बैठक बुला करके 32% ट्राइब को, ओबीसी को 27% और जो 16 मिला था कास्ट को, तो वो शेड्यूल कास्ट के लोगों का 16 से घटा करके फिर जो है वो 13 कर दिया। अभी हम मांग कर रहे हैं कि उनका 16% रिजर्वेशन यथावत रहे, यही हमारी मांग है। और ये आंख मिचौली का खेल खेलना सरकार बंद करे। जातिवादी मानसिकता शुरू से ही कांग्रेस की रही है, लोग जागरूक नहीं थे तो कांग्रेस ने राज कर लिया, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए, अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अनुसूचित जाति का हिस्सा चाहिए, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का हिस्सा चाहिए, हम न्याय लेकर के रहेंगे। गौरतलब है कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह आरक्षण वाकई कम है। देखना होगा कि सौंपे गए ज्ञापन को लेकर महामहिम राज्यपाल किस तरह का फैसला इस पर सुनाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।